हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर देख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के अंतर्गत हमेशा ऐसे लिमिट दिया रहेगा और हमें सॉल्व करना होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन 3 कोएफिशिएंट है, रोल प्ले नहीं करेगा। x का इंटीग्रेशन होगा, पावर एक बढ़ेगा, बढ़ा हुआ पावर नीचे, पावर 1 था ना, तो पावर एक बढ़ेगा, बढ़ा हुआ पावर नीचे। 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x, और इस चैप्टर में प्लस सी नहीं लिखा जाता, लिमिट लगाया जाता है। लिमिट क्या है? 3 और 1। अब बताइए 3/2 एक्स स्क्वायर, 3x² / 2 हो गया -4x, लिमिट्स 3 और 1। स्टूडेंट्स पूरे प्रोसेस में एक बार 3 लिखेंगे, फिर माइनस पूरे प्रोसेस में 1 लिखेंगे। तो चलिए पहले 3 लिखते हैं। x मींस 3 स्क्वायर अपॉन 2, अगेन x मींस 3 माइनस, अब पूरे प्रोसेस में 1 रखिए, तो 3x मींस नाउ 1 अपॉन 2 माइनस 4 x means what? 1. Solve कर दीजिए. 9 3 27 upon 2. Here 12. 3/2 - 4. Further solution. Students cross multiply कर दीजिए. 27 - 24/2 minus. यह 1 समझिए, so 3 minus 2 4 जा 8 upon 2। अब सॉल्व कीजिए, 3/2 minus 5/2, that means 3/2, double minus means plus 5/2, 3 + 5/2 means 8/2, means final answer 4, यहाँ पर आंसर आ रहा है 4, okay? Students, question number 2, इंटीग्रेट करने के लिए पावर जो है एक बढ़ाइए और बढ़ा हुआ पावर नीचे, लिमिट्स लगाइए 4 और 0। एक बार 4 रखिए तो 4³/3, और एक बार 0 रखिए तो 0³/3। आप सॉल्व कीजिए, 64/3 0/3, यहां पर आप देख रहे हैं 64/3 और 0/3 का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो 0 होगा, दैट मींस फाइनल आंसर 64/3, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आप देख रहे हैं e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, इसलिए e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा, और लिमिट्स है 0 to 2। पहले 2 रखिए और फिर 0 रखिए। अब बताइए स्टूडेंट्स, ई स्क्वायर ई पावर 0 किसी के भी नंबर, कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 माना जाता है। अभी आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो कोएफिशिएंट रोल प्ले नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x³/3, पावर एक बढ़ेगा, बड़ा हुआ पावर नीचे, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट लगाइए 2 और 0, रूट 3 कैंसिल होता है, बच रहा है आपका x³ - x 2 और 0। अब एक बार 2 रखिए तो 2³ - 2 माइनस, अब एक बार 0 रखिए तो 0³ - 0 करेक्ट, ये होगा 1, ये होगा 2, यहां होगा 0 - 0, 6 - 0, मतलब फाइनल आंसर 6, आपका यहां फाइनल आंसर है 6। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर x³, तो पावर एक बढ़ेगा, बढ़ा हुआ पावर नीचे, लिमिट चढ़ाइए 3 और 1। पहले 3 रखिए तो 3 का पावर 4 अपॉन 4, अब 1 रखिए तो 1 का पावर 4 अपॉन 4। सॉल्व कीजिए, 3 का पावर 4 मींस 81 अपॉन 4, 1 का पावर 4 मींस 1 अपॉन 4, बेस कॉमन लीजिए 4 कॉमन, 81 माइनस 1 मींस 80 अपॉन 4,
मींस 20, इसका आंसर आ गया 20। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए आपको पता है वन अपॉन रूट एक्स जैसा कोई फॉर्मूला है। आप यहां पर क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो अंदर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव हो गया। बताइए 1 अपॉन 2 रूट एक्स किसकी डेरिवेटिव होती है, रूट एक्स की, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स, और लिमिट लगाएंगे हम 9, 4, और बाहर जो कोएफिशिएंट है वो ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो आगे एक बार रूट में रखेंगे 9, फिर माइनस दूसरी बार रूट में रखेंगे 4, तो ये हो रहा है 2, 3 माइनस 2 मींस 2 ब्रैकेट में 1, फाइनली यू आर गेटिंग 2, तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए 1 अपॉन समथिंग किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर x प्लस 5, तो हम भी क्या लिखेंगे x प्लस 5, log एनीथिंग 1 अपॉन द सेम थिंग, ये डेरिवेटिव होता है, तो उल्टा 1 अपॉन एनीथिंग log द सेम थिंग, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट चढ़ाइए, लिमिट है 3 एंड माइनस 2, तो चलिए एक बार x की जगह 3 रखेंगे और फिर माइनस, एक बार x की जगह पे माइनस 2 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, लॉग फाइनली 8 और यहां पर लॉग फाइनली 3। ठीक है, अब माइनस कहता है लॉग सिस्टम में अपॉन हो जाएगा, सो लॉग 8 अपॉन 3 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट्स आप इसकी बनावट को देखकर कभी भी नीचे बड़ा पावर है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं, तो डेरिवेटिव चेक किया जाए बी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव, तो ये आ रहा है 2x माइनस 0 मीन्स जस्ट 2x। डेरिवेटिव क्या कहता है, पावर आगे, पावर एक का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब फाइनल आ रहा है 2x, मतलब अगर ऊपर 2x रहेगा तो इसका डेरिवेटिव सेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 लाने के लिए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो कीजिए यहां पर नाउ क्वेश्चन वी आर चेंजिंग, आई इज इक्वल टू बाहर क्या कर रहा हूं मैं 2 से डिवाइड, तो अंदर मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, बाहर 2 से डिवाइड अंदर 2 से मल्टीप्लाई। नीचे सेम कॉपी कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट देखिए क्या है 3 एंड 2। अब सॉल्व कीजिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग द नीचे वाला हो जाता है, ये फॉर्मूला है। लिमिट चढ़ाइए, लिमिट क्या है 3 एंड 2। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, एक बार हम एक्स की जगह पर 3 रखेंगे और एक बार एक्स की जगह पर हम 2 रखेंगे। ओके, एक्स की जगह पर 3, एक्स की जगह पर 2, लेकिन ये 2 था तो यहां 2 चाहिए, एक्स की जगह पर 3, एक्स की जगह पर 2। अब सॉल्व कीजिए, ये दे रहा है आपको लॉग 9 माइनस 1 मीन्स 8, और ये दे रहा है लॉग 4 माइनस 1 मीन्स 3, तो ये आपको देगा लॉग a माइनस लॉग b, मतलब लॉग a अपॉन b, सो इसका आंसर आ रहा है 1 अपॉन 2 लॉग 8 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।